वीडियो में हमारे प्रथम कोटि की अर्धायु काल और अंतराल समीकरण कंप्लीट है। हमारे सिलेबस में द्वितीय कोटि है नहीं, तो इससे हम आगे प्रथम कोटि के बाद हमारा टक्कर सिद्धांत या संगठन सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत या संगठन सिद्धांत क्या है? तो इसमें विलियम मैक्स ट्राउटज और विलियम मैक्स ने इसे सन 1916 और 18 में ज्ञात किया कि टक्कर सिद्धांत क्या है और या संगठन सिद्धांत क्या है। तो उसने बताया कि जब अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो वो आपस में जितना ज्यादा टकराएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो आसानी से उत्पाद में रूपांतरित हो जाते हैं। जिनकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है वे अभिकारक आसानी से उत्पाद में रूपांतरित नहीं होते हैं। तो सर्वप्रथम सन 1916 व 18 में मैक्स ट्राउटज और विलियम्स ने गतिज सिद्धांत के आधार पर टक्कर सिद्धांत के द्वारा बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जितने ज्यादा टकराएंगे और उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी, टकराएंगे तो आसानी से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास दो अणु, ये आपस में कितनी बार टकराएंगे, 2^2n ये होते हैं, तो ये दो बार ही से चार बार टकराएंगे आपस में। तो जैसे जैसे ये टकराएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिकारक आसानी से किसमें रूपांतरित हो जाएंगे, उत्पाद में रूपांतरित हो जाएंगे। तो यह देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारक अणु को परस्पर टकराना आवश्यक होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जितने ज्यादा टकराएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी आसानी से वो उत्पाद में रूपांतरित हो जाएंगे। तो इसमें एक होती है प्रभावी, एक होती है अप्रभावी टक्कर। तो प्रभावी मतलब टक्करों की यदि अभिविन्यास सीधा है तो आसानी से टकराएंगे और वो उत्पाद में रूपांतरित हो जाएंगे, और यदि अप्रभावी है मतलब टक्कर जो अभिकारक भाग ले रहे हैं वो आसानी से नहीं टकरा रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है तो आसानी से उत्पाद में रूपांतरित नहीं होते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारक अणु का परस्पर टकराना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को उत्प किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर उत्पाद बनाते हैं। तो यदि इनकी टकराएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये उत्पाद में रूपांतरित हो जाए, और यदि गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है तो ये कभी भी उत्पाद में रूपांतरित नहीं होते हैं। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले मैक्स ट्राउटज और विलियम लेविस ने प्रतिपादित किया। सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु ठोस गोलों के रूप में होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु ठोस गोलों के रूप में होते हैं, गोलों के रूप में होते हैं, जिससे ये आपस में टकराने पर गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है वृद्धि
होती है। छः संकीर्ण ऊर्जा को पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु ठोस गोलू के रूप में होते हैं, जिससे ये आपस में टकराने पर गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी और गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, जिससे संकीर्ण ऊर्जा को आसानी से पार कर ये उत्पाद में बदल जाते हैं। तो अभिक्रिया की गति अभिकारकों के मध्य टकरों के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होती है, अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा के, अभिकारक के मध्य टकरों की संख्या, तो टकरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया वेग का मान बढ़ेगा, और अभिक्रिया वेग मतलब जितने ज्यादा अणु होंगे स्पेस होंगे वो आपस में टकराएंगे, तो अभिकारक अणु के मध्य टकरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया वेग का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब देखो संकट आवृत्ति, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु परस्पर टकराते हैं और उत्पाद बनाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु ठोस गोलू के रूप में होते हैं। ये किसके रूप में होते हैं, ठोस गोलू के रूप में होते हैं ऐसे, और ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो संकीर्ण ऊर्जा को पार करके ये आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं। तो अभिक्रिया का वेग हमेशा सदैव अभिकारक अणु के मध्य जो टकरों की संख्या होती है उसके समानुपाती होते हैं। अब है संगठ आवृत्ति क्या होती है, कि अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली टकरों की संख्या को क्या कहते हैं, संगठ आवृत्ति क्या होती है, जेड। इसे किससे दर्शाते हैं, जेड के द्वारा। तो अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में संपन्न होने वाली अभिक्रिया संगठ आवृत्ति कहलाती है। कहने का मतलब क्या है इसमें, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में, कोई रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण है तो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में संपन्न होने वाली टकरों की संख्या को संगठ आवृत्ति कहते हैं। तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में
प्रति का आयतन में प्रति सेकंड में संपन्न होने वाले टकरों की संख्या, टकरों की संख्या कितनी बार टकराते हैं, मतलब एक इकाई आयतन में, एक इकाई आयतन में प्रति सेकंड में जितनी बार टकराते हैं और टकराने वाली अणु की संख्या को क्या कहते हैं, संगत आवृत्ति। क्या कहते हैं, संगत आवृत्ति। तो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस संगत में ये टकरों की संख्या होती है, सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ने नॉर्मल एसटीपी, सामान्य ताप और दाब पर गैसीय तंत्र में संगत, गैसीय तंत्र में संगत कितनी होती है, 10^25 से 10^28, 10^25 से लेकर 10^28 संगत आवृत्ति कितनी होती है, संगत आवृत्ति। तो सामान्य ताप दाब पर गैसीय तंत्र में संगत आवृत्ति 10^25 से लेकर 10^28 तक हो सकती है, तक हो सकती है, ये होती है संगत आवृत्ति। सामान्य ताप पर 10^25 से लेकर 10^28 तक ये संगत आवृत्ति होती है। तो ये होगी हमारी संगत आवृत्ति। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली टकरों की संख्या, किसकी संख्या, टकरों की संख्या को क्या कहते हैं, संगत आवृत्ति। अब ये संगत आवृत्ति है, ये दो प्रकार की होती है संगत आवृत्ति। तो इसमें एक होती है प्रभावी, एक होती है अप्रभावी। तो प्रभावी तो क्या होते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। तो एक होती है प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर। तो प्रभावी टक्कर क्या, इफेक्टिव कोलेजन क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में रूपांतरित हो जाते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु सीधा टक्कर करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। मतलब जो अभिकारक के अणु भाग लेते हैं और वो सीधे टकराते हैं, जैसे ए और बी, ए आपस में टकरा कर किस में बदल जाते हैं, ए बी में सीधे टकराते हैं, जिससे ये उत्पाद में गतिज ऊर्जा को पार कर जाते हैं और गतिज ऊर्जा को पार कर जाते हैं और उत्पाद में बदल जाते हैं उसे तो क्या कहते हैं, प्रभावी। क्या कहेंगे, प्रभावी। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी टक्कर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु अप्रभावी टक्कर क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु टकराकर उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं उसे
अप्रभावी टक्कर, अप्रभावी टक्कर कहते हैं। कहने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यदि उनका अभिविन्यास सीधा नहीं है तो आसानी से नहीं टकराते हैं और उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो होते हैं अप्रभावी टक्कर, अप्रभावी टक्कर। तो संघर्ष सिद्धांत के अनुसार, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार सूत्र है, तो ये हमारा एक सूत्र है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर जेड ए बी माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। तो अभिक्रिया का वेग जेड ए बी ई ई ए अपॉन आर टी, तो यहाँ जेड ए व बी क्या है, जेड ए व बी क्या है, यानी अभिकारक ए व बी, अभिकारक ए व बी के मध्य टक्कर की आवृत्ति, अभिकारक ए व बी के मध्य, के मध्य टक्कर आवृत्ति या संघट, संघट आवृत्ति। और यहां माइनस ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा, क्या है सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है गैस नियतांक, गैसीय नियत, टी क्या है ताप, टी क्या है ताप, तो अभिक्रिया वेग बराबर जेड ए बी, ए बी क्या है अभिकारक है और जेड यहाँ क्या है संघटावर्ती है, तो अभिकारक ए और टकराते हैं, टकरा के मध्य संघटावर्ती माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो यह चर घातांक, संघटावर्ती का चर घातांक, अब हम आगे पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो अवरोध उत्पन्न करती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो अवरोध उत्पन्न करती है, किसी या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो अवरोध उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, एक तो ऊर्जा अवरोध, यानी रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो अवरोध उत्पन्न करती है, एक तो होती है ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध में क्या होता है कि क्रियाशील या अभिकारक अणु की स्पीशीज, जैसे अणु परमाणु आयन के मध्य प्रभावी टक्कर होने पर पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए जिससे अभिकारक अणु किस्में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। तो पहले क्या है ऊर्जा अवरोध, क्या है ऊर्जा अवरोध, तो पहले ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध क्या होते हैं, ऊर्जा अवरोध क्या होते हैं कि तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्पीशीज अणु परमाणु और आयन क्या होते हैं, अणु परमाणु और आयन के मध्य संघट आवर्ती होने के लिए उसमें पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए जिससे अभिकारक जिससे अभिकारक अणु के पुराने बंध टूटकर, पुराने बंध टूटकर नए बंध में रूपांतरित हो सके। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयन, तो ऊर्जा अवरोध क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु एम आयन,
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु और आयन के मध्य प्रभावी टक्कर होने से पुराने आबंध टूटकर नए आबंध बन जाते हैं, जिससे क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, जिससे ये आसानी से उत्पाद बना लेते हैं। तो दहलीज ऊर्जा क्या होती है, दहलीज ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम अतिरिक्त दिए जाती है, वह न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में रूपांतरित करती है उसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो दहलीज ऊर्जा क्या है कि वह न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में रूपांतरित करती है उसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो वह न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक अणु को उत्पाद में रूपांतरित करती है उसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो दहलीज ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध है जिसे पार किए बिना अभिकारक कभी भी उत्पाद में रूपांतरित नहीं होता है। तो दहलीज ऊर्जा एक आवश्यक ऊर्जा अवरोध है। तो दहलीज ऊर्जा एक आवश्यक ऊर्जा अवरोध है जिसे पार किए बिना विकारक उत्पाद में रूपांतरित नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है, दहलीज ऊर्जा को पार करेगा तभी अभिकारक अणु उत्पाद में रूपांतरित होंगे। तो ऊर्जा अवरोध क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयन के मध्य प्रभावी टक्कर होने से पुराने आबंध टूटकर नए आबंध बना लेते हैं। तो दहलीज ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में रूपांतरित करती है उसे क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा। तो दहलीज ऊर्जा एक आवश्यक ऊर्जा अवरोध होता है जिसे पार किए बिना अभिकारक उत्पाद में कभी रूपांतरित नहीं हो पाता है। अब अगला इसी का पॉइंट हम पढ़ेंगे, अभिविन्यास अवरोधक क्या होता है कि क्रियाकारक अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर टकराते हैं तो प्रभावी टक्कर होते हैं जिसे पुराने बंध टूटकर नए बंध बना लेते हैं। वो तो होती है, इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो प्रभावी एक अप्रभावी। तो प्रभावी होती है वो तो उत्पाद में रूपांतरित हो जाती है, और जो अप्रभावी होती है वो कभी भी उत्पाद में रूपांतरित नहीं होती है। तो क्रियाकारक या अभिकारक अभी
कारक के अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर प्रभावी टक्कर के द्वारा पुराने आबंध टूटकर नए आबंध बनाते हैं, जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। जिससे क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। तो अभिकारक के अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर प्रभावी टक्कर के द्वारा पुराने आबंध टूटकर नए आबंध बना लेते हैं, जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसके एग्जांपल देखो, प्रभावी टक्कर के द्वारा एग्जांपल देखना। हम पहले प्रभावी टक्कर के द्वारा एग्जांपल देखते हैं, जिसे NO2 का देखते हैं। यह NO2 और ये भी प्लस क्या है? NO2। ये सही दिशा में अभिविन्यासित है, सीधा अभिविन्यासित। तो ये प्रभावी टक्कर करते हैं। तो ये इसी प्रकार आ जाते हैं। फिर नए आबंध बना लेते हैं। ये नए आबंध बना लेते हैं और उत्पाद में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे N2O4। तो इस प्रकार ये हो गया नाइट्रोजन या N2O4। तो ये तो प्रभावी टक्कर के द्वारा। अब इसी प्रकार अप्रभावी टक्कर के द्वारा देखो, तो ये उत्पाद में रूपांतरित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया कि यदि सीधा अभिविन्यासित है तो उत्पाद में नए बन बना लेते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और अप्रभावी टक्कर होते हैं तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये होते हैं अभिविन्यास अवरोधक। तो इस टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।